ऑडियंस को एक बार आप अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ऑडियंस को करूं? सबको करो जो आपको इस एपिसोड के थ्रू देख रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको नाम दिख गया होगा, कीर्ति मेहरा। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं इंस्टा पे भी वीडियोस बनाती हूँ। यूट्यूब पे पहले मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती थी, बट अब मैं चैलेंज वीडियोस और व्लॉग्स बनाती हूँ। और प्लीज सब्सक्राइब तो जर्नी कैसे स्टार्ट करी लाइक यूट्यूब की? मेरा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि मैं यूट्यूब में आऊँगी। मैं अपना बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई करते करते एलविश मिला मुझे। फिर हमने सोचा कि हम वीडियोस बनाते हैं, तो हम ऐसी कैंटीन में बैठे वीडियोस देख रहे थे कि इसकी भी है, इसकी भी है, अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी तो कर सकते हैं ये। तो मैंने तो दिमाग से निकाल दिया था, क्योंकि उससे पहले मेरा भाई मुझे दिखाता था कि दीदी ये देख, वीडियो देख, वीडियो देख। मैं बोलती मेरे को नहीं देखना, मेरे को मत दिखा, मेरे पास नहीं है टाइम। तो एलविश के दिमाग में उस दिन आया, वो घर गया, वीडियो बना के शूट करके आ गया, उसने मुझे भेज दी, देख कैसी लग रही है। मैंने कहा डाल दे। फिर हमने वीडियोस डालनी शुरू करी, फिर लड़कियों की जरूरत पड़ने लग गई वीडियो में, फिर मैं भी वीडियोस में आने लग गई। और ऐसे चलते 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 कॉलेज हमारा खत्म होने वाला था, और हमने ऐसे ही बोल दिया था एक बार कि कोई फेस्ट था हमारे ओके, कॉलेज में, और काफी सारे स्पीकर्स आए हुए थे, स्पीकर गेस्ट आते हैं ना गेस्ट कॉलेज आते हैं में राइट। ऑडिटोरियम में, तो हमने ऐसी मजे मजे में बोल दिया था कि कॉलेज से निकलने पहले हमारा कॉलेज खुद हमको बुलाएगा। और जैसे ही सेकेंड ईयर खत्म होने वाला था, हमारे कॉलेज ने हमें ही एज अ स्पीकर अपने ही कॉलेज में बुलाया। तब क्या बात है। तो हमें लगा कि हाँ, हमने कुछ करा है। तो ये पूरी जर्नी ऐसी थी कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब में, और सीधा उसी चीज में इतनी इन्वॉल्व हो गई कि फिर यूट्यूब के अलावा कुछ दिखा नहीं मुझे। तो एज एन हॉबी स्टार्ट किया था, बट हॉबी आपका प्रोफेशन बन हाँ गया, एंड हाँ प्रोफेशन आपका मेन स्ट्रीम यही हो गया हाँ कि अब यही मेरे करना है। पापा मुझे बोलते थे कि बस अब हो गया, अपना जॉब वॉब कर ले, जो करना है कर। क्योंकि मेरे पापा का शुरू से ये था कि हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की लड़का हो। तो उन्हें था कि तू खुद का जो करना है तुझे कर, बस मेरे को तू बिजी चाहिए और काम करती भी चाहिए। तो उन्हें तो पता नहीं था यूट्यूब वगैरह क्या होता है, तो बोलते थे फालतू चीज़ें कर रही है, ये मत कर, बिल्कुल मत कर। मैंने बोला नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ। तो मैं छुप छुप के करती रहती थी, करती रहती थी। फिर उन्हें दिखने लग गया कि जब उन्हें बोलते थे लोग कि उसके पापा हो ना आप, उसकी मम्मी हो ना आप, तो उन्होंने कहा हाँ अब ये लड़की कुछ बढ़िया कर रही है। और फिर टाइम ऐसा आ गया कि वो मेरे को बोलते थे वीडियो क्यों नहीं आई अब तक चैनल पे, वाह। कहाँ है वीडियो, खाली बैठी है, वीडियो शूट कर ले। तो ऐसा था। और अब मैं तो यूट्यूब छोड़ के कहीं जा नहीं रही हूँ। बिकॉज़ होता है ना लाइक बीइंग अ नॉर्मल और यू कैन से मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, लड़के के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, बट लड़की के लिए मुझे नहीं लगता है इजी होता है, लड़के के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहला जो पार्ट आता है लाइक फैमिली विल नॉट सपोर्ट, फैमिली में लगता है कि भाई कैमरे पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सोसाइटी का भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि सोसाइटी वालों ने या कुछ ऐसा फैमिली में कभी कोई बात आई हो? मैं इस मामले में, फैमिली के मामले में बहुत लकी रही हूँ। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, बट मेरे नाना जी गुस्सा करते थे कि अच्छा ये क्या कर रही है, इसको बाहर निकालो यहाँ से, ऐसे इंडस्ट्री में ओह बहुत गलत चीजें होती है, ये होता है वो होता है। मैं समझाती थी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं सुनते थे। और बीच में ऐसा टाइम आया कि हम कॉलेज में शूट करते थे, बट उसके बाद शूट शुरू हो गए गुड़गांव में, अच्छा और मैं रहती थी दिल्ली में, दिल्ली में भी बिल्कुल ऐसे बॉर्डर। तो मैंने बोला कि शूट पे जाना है, अब मना कर दिया सबने, नहीं जाना बहुत दूर है। मेरे पापा का शुरू से ये था कि तू कहीं जा, तू हरियाणा में पैर नहीं रखेगी। अच्छा इतना डरते थे हरियाणा से, ऐसा हाँ क्यों? मतलब न्यूज़ आती थी उस टाइम पे ओके काफी ऐसी, तो पापा को था कि अकेले में गुड़गांव या हरियाणा तो मैं इसे नहीं भेजूंगा। और जिस दिन शूट था तो मैं कॉलेज बोल के गई, बट हम लोग गुड़गांव में शूट कर रहे थे, तो मैं मेट्रो से आई थी, और वो पूरा रास्ता मेरे लिए ऐसा हॉन्टेड सा था, क्योंकि मेरे को भी डर लगा वो कैसे खेत वेत गाँव वाँव सब कुछ हाँ देख के। मैंने कहा यार यहाँ पे तो मैं सेफ नहीं हूँ, मैं डर डर के आती थी। फिर मैं 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे भाग जाती थी, क्योंकि 1 घंटा लगता है घर पहुंचने में, 6:30-7 तक घर पहुंचना है, तो शूट वूट करके हम पहुंच जाते थे। तो स्टार्टिंग में घर वालों को ये पता था कि कॉलेज में शूट कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कहते थे, वहां पे जाने के लिए मना करते थे कि पहाड़ में गया सब कुछ मत जा, छोड़ दे। बट फिर धीरे धीरे
मैंने ही बताना शुरू किया. मैंने जितने झूठ बोले है ना अपनी लाइफ में, मैंने 12th तक बोले. ओके, 12th के बाद मैं ऐसी हो गई झूठ बोलने कुछ फायदा नहीं है क्योंकि कैमरे पे तो दिख रहे हो आप, कहीं ना कहीं तो वीडियो आ रही है. नहीं, वैसे भी YouTube से हटा के भी मैं झूठ नहीं बोलती. मैं मुंह पे बोल के कुछ कर दूंगी, गाली खा लूंगी बाद में, बट झूठ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि एट द एंड पिटाई ही होती थी क्योंकि वो मम्मी सिखाती थी कि बेटा कुछ भी हो झूठ के पैर नहीं होते. पैर नहीं होते, करेक्ट. तो वो पकड़ा ही जाता है, पकड़ा ही जाता है. मैंने कहा झूठ तो नहीं बोलना, फिर मैंने बताना शुरू कर दिया क्योंकि गिल्ट होता था कि यार इनसे झूठ नहीं बोलना, बहुत सपोर्ट करते हैं. फिर पापा ने कहा ठीक है बात कराओ, हमारी सबसे मिले, सबसे हुए, फिर खुले छूट. फिर मैं चार चार दिन, पांच पांच दिन भी अगर शूट पे होती थी गुड़गांव में, कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि आई क्यों. उनको था सही बंदों के साथ है, अच्छा काम कर रही है, कर ले. वाओ, फैमिली मुझे लगता है आई थिंक जब भी लाइक हम घर से बाहर निकलते हैं, यार जैसे मैं लाइक मैं बिलोंग कहीं से करता हूँ लेकिन मैं यहाँ पे एज एन लाइक वर्कर हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ, तो होता है कि अगर फैमिली सपोर्टिव रहती है ना तो बंदा कहीं से कहीं निकल जाता है. तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर. फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया. इवन मम्मी पापा अगर कभी गुस्सा कर जाते थे तो मेरा भाई, मेरे से 1 साल छोटा है, वो बोलता था क्या गलत कर रही है वो, मैं नहीं जाता, क्या हो गया फिर, जाने दो. सो कोई कंपैरिजन नहीं था लाइक बॉयज एंड गर्ल्स बोथ हाउस से. पापा कहते थे थोड़ा थोड़ा कि तू लड़की है, तू लड़की है, बट एट द एंड उन्हें पता था कि ये लड़की है बट ये लड़के से कम नहीं है. क्योंकि काफी लाइफ में से हमारे कुछ इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे पापा को लगा कि यार मेरा लड़का तो शांति से समेटता है सब कुछ और ये तो शेर बन के कूद जाती है. तो पापा को लग गया था कि इसके मामले में मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये शेर पैदा कर दी है मैंने, अब ये कुछ भी करेगी. सो जो पहली वीडियो आपने बनाई थी वो एल्विस के साथ बनाई थी. हाँ, तो उसमें कंटेंट कहाँ से स्टार्ट किया था, लाइक क्या था उस वीडियो के अंदर? सो ऐसा था कि जब पापा ने छोड़ दिया कि अब तू कर ले, तो मैं एल्विश के साथ वीडियो बनाती रहती थी. और मेरे को था कि मैं खुद की वीडियोस क्यों ही बनाऊं, मतलब मैं कर तो रही हूँ तेरे साथ काम. यहाँ पे एल्विश ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मेरे पापा ने, भाई ने भी, मम्मी ने, सब ने, कि तू अपना भी चैनल खोल, तू उसके साथ तो काम करी है बट तू अपने चैनल पर भी काम कर. करेक्ट. तो मेरे को लगता था कि यार नहीं, मैं ये नहीं करूँगी क्योंकि साथ में काम कर रही हूँ, अच्छा नहीं लगता ऐसे. मैं सोचती थी ऐसा. फिर इसी ने, एल्विश ने मुझे मोटिवेट किया कि तू चैनल बना. इसी ने मेरा चैनल बनाया, इसी ने सब कुछ किया. और हमने और इसने दोनों ने पोस्ट डाला है कि Q&A वीडियो पहली बनाएंगे ताकि जैसी फर्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे. क्योंकि इसके चैनल पे हम तो कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, सो मेरे चैनल पे Q&A वीडियो के पब्लिक के जो भी क्वेश्चंस हैं हम उन्हें आंसर करेंगे. तो फर्स्ट वीडियो वो थी. फिर हम चैलेंज वीडियोज बनाने लग गए. चैलेंज वीडियो के साथ साथ फिर व्लॉगिंग एकदम से बहुत चली थी मार्केट में, तो मैं व्लॉगिंग में शिफ्ट हो गई. मैं BTS भी बनाती थी, बिहाइंड द सीन जो भी शूट के होते थे, व्लॉग्स भी करती थी. तो अभी ऐसे चलता रहा फिर.